नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्रॉपर्टी विजिट्स में, जहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। अधिकतर सभी लोग जो भी प्रॉपर्टी लखनऊ में खरीदना चाहता है, वो सोचता है कि लखनऊ शहर के अंदर मिले, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो मकान। इस वीडियो में यही सब कुछ होने वाला है। शहर के अंदर मिलेगा, मकान चाहिए तो मकान, प्लॉट चाहिए तो प्लॉट। ये वीडियो बहुत खास होगी, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा ना आगे बढ़ा बढ़ा के देखिएगा। बहुत काम की जो इंफॉर्मेशन होगी निकल जाएगी। बैकग्राउंड से आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम कहाँ हैं। नहीं आइडिया लग रहा तो मैं आपको बताता हूँ, हम है ये बिजनौर रोड पे। सामने आप जो देख रहे हैं ओमेक्स सिटी, ओमेक्स को कौन नहीं जानता। ओमेक्स सिटी है, पूरी टाउनशिप है, पूरा बसा हुआ एरिया है, और सबसे बड़ा लैंडमार्क शहीद पथ। शहीद पथ भी यही है। प्लीज हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा थोड़ा सा इधर आके। ठीक सामने शहीद पथ है, लगभग बहुत ज्यादा होगा तो लगभग 300 मीटर की दूरी पे शहीद पथ है। शहीद पथ है, ओमेक्स सिटी है। थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा, समझ में आएगा। हम हैं दोस्तों बिजनौर रोड पे, जहाँ पे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे बहुत ही बढ़िया प्रीमियम प्लॉट्स, और वो भी आबादी के अंदर, और सबसे बड़ी बात है नगर निगम के अंदर। सब कुछ हो जाएगा, बैंक लोन भी हो जाएगा, सब डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आप किन के साथ डील करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में और कंपनी के बारे में बताइएगा। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह फ्रॉम लैंडवे इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी पिछले 10 सालों से प्लॉट और रो हाउसेस बना रही है बिजनौर रोड पे ही। जो 2014 से इस रूट पे हम काम कर रहे हैं। लगभग कितनी साइट्स होंगी टोटल आपकी? टोटल हमारे 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लगभग 10 साल से काम कर रही है लैंडवे इनोवेशन। बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है आज की डेट में, बहुत ही लंबा इनका टेस्टिमोनियल्स है, क्लाइंट्स हैं। उन्हीं के ही आपको प्लॉट्स मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा आइडिया ये भी दे दीजिएगा, आपका ऑफिस है कहाँ पर? ये बिजनौर रोड पे ही है, आगे आप जाएंगे तो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास में सरवन नगर एरिया लगता है, उसी के पास में आपको हमारी ऑफिस मिल जाएगी, लैंडवे इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बढ़िया। एक चीज और बता दी, बहुत से ऐसे व्यूअर्स जो बाहर के हैं जो बिजनौर रोड को समझ नहीं रहे होंगे, तो शहीद पथ है जैसे मैंने बता दिया, ये रोड सीधे आ रही है, ये कहाँ जा रही है और कहाँ कहाँ जाके कनेक्ट होती है? ये सीधे बिजनौर मार्केट होते हुए आपको बिजनौर चौराहे पे मिलेगा, और आगे आउटर रिंग रोड मिल जाएगा आपको। ये पूरी कनेक्टिविटी आपको शहीद पथ और उस साइड में आपको आउटर रिंग रोड, उसके बीच में है ये बिजनौर रोड। और दोस्तों जितना मुझे नॉलेज है, इस रोड से आप जाएंगे तो आप कानपुर रोड भी कनेक्ट हो जाएंगे, आप वापस मोहनलालगंज कनेक्ट हो जाएंगे, और आगे बहुत बड़े लेवल पे बड़े ब्रांड आ चुके हैं, सब कुछ है। एक बार आप साइट विजिट करने आएंगे तो डिटेल में बात कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शहीद पथ है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या है। साइट की दूरी की बात कर लेते हैं, शहीद पथ से यदि हम काउंट करें तो लगभग 3.5 किलोमीटर, शहीद पथ से लगभग 3.5 किलोमीटर पे साइट है जहाँ आपको प्लॉट मिलने वाला है। दोस्तों ये अधिकतर हम फोकस कर रहे हैं प्लॉट पे, मकान भी सर के पास है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको प्लॉट दिखाएंगे, प्रीमियम प्लॉट दिखाएंगे। जो साइट बिल्कुल जस्ट अभी 15 से 20 दिन लगभग हुआ होगा स्टार्टिंग किया है एज ए मार्केटिंग करने के लिए, उस पर आपको सीवर भी मिल रहे हैं, चौड़ी रोड मिल रही है, गेटेड मिल रही है। चलिए साइट की तरफ चलते हैं और सब कुछ आपको दिखाते हैं कैसे मिलेगा। आइए सर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप अच्छे कमेंट्स करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, बहुत मोटिवेट होते हैं, लेकिन दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो दोस्तों आज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। दोस्तों हम लोग साइट पे आ गए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। लगभग इनकी 8 साइट चल रही है, बना के कई साइट डिलीवर कर चुके हैं जिसमें फैमिलीज रहती है। अभी यहाँ लाने का पर्पस दोस्तों ये है कि ये साइट पे, इस साइट पे लगभग मैं 6 से 7 महीने पहले आया था, इस साइट पे कुछ भी नहीं था। यहाँ लाने का पर्पस सिर्फ यही है आपको दिखाने के लिए कि जो ये लोग कहते हैं वो चीजें होती हैं या नहीं होती है। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे एक चीज, 2-4 चीजें जो मुझे दिख रही है मैं आपको नोटिस करता हूँ। सबसे बड़ी चीज मैंने ये नोटिस की है, ये लोग साइट वहां लेके आते हैं जहाँ चारों तरफ आबादी है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर लिया है, जो लखनऊ से लगभग आप 30-40 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, जमीन तो खरीद ली लेकिन कब रहेंगे ये डिसाइड ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ रहने के लिए कुछ आसपास है भी नहीं। लेकिन ये साइट जो बनाई है, जो जिस साइट पे हम लेके चलेंगे, सब आबादी के बीच में होने वाली है। जहाँ हम खड़े हैं जस्ट इसी के पीछे ही साइट है जहाँ आपको प्लॉट मिलने वाला है। लेकिन आप सिचुएशन समझिएगा, प्लीज थोड़ा सा घूम के दिखाइएगा, देखिए मकान बने हुए हैं चारों तरफ,
प्लीज एक बार दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था शहीद पथ से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग हैं। प्लीज थोड़ा सा हो सके तो जूम करके दिखाइएगा, क्योंकि इस हो सकता है इस कैमरे में समझ में ना आए। तो दोस्तों यहाँ पे आइएगा, जितना संभव है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मकान बने हुए हैं और ये एरिया बहुत तेजी से डेवलप होता जा रहा है। अब दोस्तों मेरा जो मानना है, मैं हर वीडियो में अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि आने वाले 3-4 सालों में फ्रेश लैंड लखनऊ के अंदर नहीं बचेगी, मिलेगी तो आपको मिलेगी बाहर या रीसेल मिलेगी अंदर। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। हो सकता है इस वीडियो बनाने के बाद लगभग 6 से 7 महीने में भी आपको यहाँ पे फिर प्लॉट नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा हो, समझ रहे हो आप इस चीज को, इस लोकेशन को, तो नीचे एक नंबर है, तुरंत कॉल करिए, सर से मिलिए, साइट विजिट करिए, बहुत अच्छा मौका है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या बना के दिया है। जैसे मैं हम लोग सामने से आए, प्लीज एक बार दिखाइएगा, वहां पे डामर रोड है, हम शहीद पथ से जो आए हैं ये सामने से यही रोड लेके आई है। इस रोड से जब हम अंदर आए हैं ये पूरी की पूरी सीसी रोड है, जैसे मैं यहाँ समझ रहा हूँ। और यहाँ पे गेटेड सोसाइटी बनाई है इन लोगों ने, यहाँ पे गेट और गार्ड रूम रहेगा हमारा। ओके, ये पूरी हमारी गेटेड सोसाइटी हो जाएगी। गेट से एंट्री करते ही हमने दोनों साइड में हमने प्लॉटिंग किया था जी, और बैक साइड में हम रो हाउसेस बना रहे हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट में हम दूसरी साइड भी लॉन्च किए हैं। सर की बात को रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे प्लॉट भी थे, जैसे कि ये प्लॉट दिए गए हुए हैं, मकान भी बनाए गए हैं। मकान जा आप इधर भी देखो, प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी काम चल रहा है, 6 महीने में पूरी साइट डेवलप नहीं होती। यदि आप उसके अंदर गेटेड सोसाइटी बना रहे हो, मकान बना रहे हो, तो टाइम तो लगता है, ये भी आप भी समझते होंगे। इसीलिए थोड़ा अस्त व्यस्त है क्योंकि यहाँ काम चल रहा है। लेकिन ठीक, जहाँ हम चल रहे हैं ये सीसी रोड है, बिजली का ट्रांसफार्मर लग चुका है, प्लीज एक बार दिखा दीजिएगा। इसमें कनेक्शन है, यदि आप आज की डेट पे भी यहाँ रहना चाहो तो आपको सिर्फ बिजली विभाग से अप्लाई करना होगा, मीटर के लिए कनेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जितने मकान देख रहे हैं सब कंपनी के ही है। जिन लोगों ने प्लॉट लिया उनको प्लॉट मिल चुका है, जिन लोगों को मकान चाहिए वो जल्द ही पोजीशन उनको मिलने वाला है, और कुछ को मिल चुका है। अभी हम उधर भी चलते हैं, आपको एक काम का आइडिया दिखा रहे हैं। इससे अच्छी भी साइट है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए दोस्तों मैं वहां नहीं गया हूं। वहां पे पूरी फैमिली रहती है, मकान बन चुका है, मार्केट है, सब कुछ है, और भी मतलब टोटल 8 साइट है इनकी। लेकिन मैं आपको वहां लाया हूँ जहाँ आपको प्लॉट मिलने वाला है। जहाँ हम खड़े हैं ये मकान आप देख रहे हो, इसी के पीछे हम चलेंगे तो प्लॉट भी है, वो अलग है, गेटेड है, सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा। आइए थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस तरीके से इनका काम करने का तरीका है, आपको हम दिखाते हैं। आइए तो सर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इस एरिया के बारे में कुछ बताइएगा, जरा आसपास क्या क्या लैंडमार्क हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। पूरा एरिया सर नगर निगम में आता है, नगर निगम के अंतर्गत में है, जोन 8 लगता है जी। शहीद पथ से आपने बताया है कि 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग हैं यहाँ पे जी। आपको यहाँ बिजनौर रोड से डायरेक्ट टेम्पो ऑटो चारबाग के लिए, एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट कन्वेंस अवेलेबल है यहाँ पे। स्कूल कॉलेजेस नियर बाई में है, आपको 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में आपको LPS DPS CMS आपको मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छी चीज बताई है, अधिकतर सर मैंने ये चीज नोटिस किया है कि ये लोग प्लॉट ले लेते हैं, मिल जाता है, अच्छे सोसाइटी में मिल जाता है, लेकिन उनको दिक्कत आती है कि अपने बच्चों को तो हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, छोटे मोटे जो स्कूल्स मिलते हैं गाँव में कहीं कस्बों में वो उसमें नहीं पढ़ाना। तो जैसे सर ने बताया कि DPS LPS ये बड़े ब्रांड स्कूल है, बड़े ब्रांड है, यहाँ लगभग कितनी दूरी पे मिल जाएंगे सर? यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पे आपको मिल जाएंगे। देखिए स्कूल सारे स्कूल के वैन यहाँ पे अवेलेबल होती है, सारी वैन आती है यहाँ पे। मिलेनियम स्कूल है आपके यहाँ से 3.5 किलोमीटर के शहीद पथ के जस्ट बैक साइड में, उस साइड में आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा जी। तो दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताऊं, यदि हम शहीद पथ जहां से हमने शुरू की थी, यदि हम उसके अपोजिट चले जाएंगे तो आपको आशियाना लग जाएगा। आशियाना आप जानते ही हो, यदि हम थोड़ा सा आगे चलेंगे साउथ सिटी भी आपको मिल जाएगा। तो आप आइडिया लगा रहे हो हम कहाँ पे हैं। और ये बिजनौर रोड जो है ये पूरा बसा हुआ एरिया है, ये तो वो स्कूल बताए जो बड़े हैं, बाकी थोड़े से आप यदि कम सुने हुए स्कूल होंगे तो ऐसा हो कि यहाँ कमी नहीं है। यहाँ मार्केट भी है टॉप, और सबसे बड़ी चीज है अमौसी एयरपोर्ट भी आपके पास में ही है। जहां हम अभी चलेंगे आपको दिखाएंगे, आपको अमौसी एयरपोर्ट भी दिखाई देगा। लेकिन ये है कि अमौसी का वो बैक साइड है, मनीष यादव गेट से हम अंदर आए हैं, जो मनीष यादव गेट के अंदर जो रोड आ रही है सीधे वो सामने ही है। ठीक है दोस्तों, आप इससे का आपको आइडिया लग गया होगा। और वो रोड 120 फीट का प्रपोज है जो सीधा कानपुर हाईवे लिंक करेगा अमौसी एयरपोर्ट के बैक साइड बाउंड्री से होते हुए। 120 फीट का प्रपोज है, और मैं आपको एक अपनी जानकारी दे देता हूं,
देखिए लखनऊ के अंदर दो एयरपोर्ट आ रहे हैं, एक तो अमौसी है सभी जानते हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है वो है नवाबगंज पे। तो इनकी प्लानिंग ये है कि ये जो रहेगा ये रहेगा डोमेस्टिक। तो इसके लिए जैसे आपको पता होगा चारबाग रेलवे स्टेशन फ्रंट में तो हम लोग आते ही हैं, ऑटो टैक्सी से उतरते हैं, स्टेशन के अंदर आते हैं। आपको शायद पता हो चारबाग रेलवे स्टेशन के बैक साइड को भी बहुत बड़े लेवल पर डेवलप किया जा रहा है। इसी तरीके से अमौसी एयरपोर्ट फ्रंट पे तो डेवलप कर लिया अडानी ने, इसके पीछे भी डेवलप होने वाला है। तो यहाँ से भी आपको पूरी अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। जैसे सर ने बताया 120 फीट चौड़ी प्रपोज रोड है, तो जब समझिए यहाँ एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा तो आसपास के एरिया का क्या रेट मिलेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सोच रहे हैं कि तरुण ऐसी जगह मिले जहाँ पैसा 5 साल में 6 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा इंक्रीमेंट मिले, तो यहाँ होने वाला है। आइए साइट पे चलते हैं। साइट पे जहाँ हम लेके चलेंगे वहाँ पे भी सीवर मिलेगा और यहाँ पे भी सीवर है। दोस्तों आबादी के बीच में ही है, चारों तरफ मकान बने हुए हैं और हम आ गए हैं आपको लेके जहाँ पे आपको प्लॉट मिलने वाले हैं। प्लॉट हैं बहुत बढ़िया है, जिस तरह से हमने आपको अभी दिखाया था, जस्ट पीछे ही साइट है जहाँ पे जो उन्होंने कहा वो दिया, सीसी रोड दी, गेटेड सोसाइटी है, सब कुछ है। वो तो खत्म हो गया बिक के, अब यहाँ शुरुआत होने वाली है, यहीं पे आए। आइए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं क्या क्या होने वाला। सर आप हमारे व्यूअर्स को यहीं से शुरू करिए कि यहाँ से क्या क्या आप देने वाले हैं साइट के अंदर और साइट का टोटल एरिया कितना होगा। ये शारदा इनक्लेव के नाम से रहेगा, ये हमारा गेट बन रहा है, यहाँ पे गेट और गार्ड रूम बन जाएगा, पूरी बाउंड्री वॉल रहेगी ये, ठीक है ना। गेट से एंट्री करते ही ये पूरी सोसाइटी की जितनी भी रोडें रहेंगी सब 30 फीट की सीसी रोड देंगे हम आपको। ओके, सीवर लाइन भी देंगे, पूरी बाउंड्री वाल आपको मिलेगी जी। ट्रांसफार्मर स्ट्रीट लाइट पोल सब हम लगा के दे रहे हैं, प्लांटेशन का काम चल रहा है जी, ठीक है ना सर जी। और आपका यहाँ पे जिन्होंने प्लॉट लिया है वो अपना प्लॉट बना के मकान बनाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों मैं कुछ जो चीजें देख रहा हूँ अपने नजर से आपको बताता हूँ। गेट तो आपने देख ही लिया, बाउंड्री वॉल की सर ने बात की तो आज की डेट से बाउंड्री वॉल है। प्लीज यहाँ से शो करिएगा, ये देखिएगा ये पूरी जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, और यदि पीछे तक देखेंगे तो प्लीज कोशिश करिएगा एक बार जूम करके पीछे तक आप देखें, मकान दिख रहे हैं बाउंड्री के पीछे मकान है, लेकिन ये बाउंड्री है, ये इधर आप इधर देखना चाहें इधर दिखा दीजिए, ये पूरी बाउंड्री वॉल मिलेगी आपको आज की डेट में ही गेटेड है। टोटल साइट का एरिया कितना है, साइज कितना है? टोटल हमारी साइट जो है 11 बीघे की है, जिसमें 200 प्लॉट्स हम काट रहे हैं, इसमें 200 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो आगे हम प्लॉटिंग करेंगे पीछे रो हाउस से, जैसे हमने दूसरी साइड पे आपने बताया कि आगे हमने प्लॉटिंग किया था पीछे रो हाउस बनाया, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे भी हम डेवलपमेंट करेंगे। सीवर लाइन का काम कम्प्लीट हो चुका है, इस सीसी रोड हम डाल देंगे, ट्रांसफॉर्मिंग का काम सब चल रहा है, ट्रांसफार्मर स्ट्रीट लाइट पोल सब लग जाएगा। एक बार दिखाइएगा ये देखिए, देखिये सीवर का काम तो पहले ही होता है रोड बनने से पहले, तो सीवर के चैम्बर आप देख सकते हो जी, ये पूरा चैम्बर बने हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं है, आप यहाँ देखो आगे भी है, और जो प्लॉट होते हैं जो मकान बनेंगे उसके लिए भी तो चैम्बर चाहिए होंगे, तो चैम्बर से आप बनाते हुए चल रहे हैं, मैं आपको दिखा पूरा चैम्बर बना रखा है उसमें। आप ये देखो ये है चैम्बर यहाँ के प्लॉट के लिए, और जो मेन चैम्बर होंगे सेंटर में वो नीचे है। तो सेम इसी तरीके से आप आगे चलो, आगे भी है, आइए दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिएगा ये रहा एक चैम्बर ये है, और यदि आप इधर देखेंगे ये है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अधिकतर कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए बीच में ही सीवर डाल देते हैं। यदि किसी ने अच्छे से काम करना है तो वो यहाँ जो मकान बनाएंगे जो यहाँ रहेंगे उनका चैम्बर के लिए क्या करेंगे, तो उनके लिए भी चैम्बर साइड में बने हैं, ये है छोटे चैम्बर, बीच में जो गए हैं जो पाइपलाइन गई है ये है बड़े चैम्बर। अच्छा जो ये इसका पानी होगा गंदा इसका क्या करेंगे आप? एसटीपी प्लांट लगा रहे हैं सर। अरे वाह, एसटीपी प्लांट मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर आपको, सीवर लाइन को कनेक्ट करने के लिए एसटीपी प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, हम दो प्लांट लगा रहे हैं इसमें आपको। ओके, बिजली के खंभे लग चुके हैं एक बार प्लीज दिखाइएगा, और उस पर तार का कनेक्शन हो गया है। अभी ट्रांसफार्मर नहीं है दोस्तों, वो सब चीजें लगेगा। लगभग कितना टाइम लगेगा आपको इस साइट में जो आपको डेवलपमेंट करना हो करके आप रेडी कर दो? 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीने में आपको रोड मिलेगी, बिल्कुल सीवर मिल जाएगा। रोड का काम तो सर हम 1 महीने के अंदर में कंप्लीट कर देंगे। ट्रांसफार्मर और लाइट का कनेक्शन ये सब चीजें लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो 3 महीने में आप करके दे देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ दोस्तों, आप साइट पे आओगे ना कहना नहीं पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? एयरपोर्ट जस्ट पास में ही है। अभी हो सकता है इस बाउंड्री वे से आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जब आप आएंगे ना वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ना एक मेन रोड आ रही है 120 फीट की, 120 फीट
वो सीधे पीछे से जोड़ी जाएगी। अमौसी फ्रंट पे बन चुका है, बैक में बनने वाला है। तो आप सोचो बैक में बनेगा तो सिर्फ एंट्री गेट तो नहीं बनेगा, आसपास का कॉमर्शियल एरिया भी तो बनेगा ना। यहाँ प्लॉट लेके मकान बना के रहोगे भी तो रेंटल इनकम भी अच्छी कमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे CRPF भी कैंप पड़ता है आगे। आप इसी रोड से सीधे निकल जाएंगे, लगभग दूरी कितनी होगी यहाँ से? लगभग 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर लगभग लगभग की दूरी पे आपको CRPF कैंप मिल रहा है। दोस्तों जब वो आया था ना तो लोग सोचते थे वहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे आप देख लो, वहाँ प्लॉट और जमीन कुछ बची नहीं है। और CRPF के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम बाहर मकान ले ले, परमानेंट रहने लगे, तो आज की डेट में वो सब चीज़ें वहाँ हो चुकी है। तो मैं आपको यही बात इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे एयरपोर्ट है और भी चीज़ें यहाँ पर हैं, बड़े ब्रांड भी हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया ओमेक्स भी आपके बगल में ही है। तो रेट की क्या वैल्यू होगी फ्यूचर में आप अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो में आपको कई बार बता दिया है, नगर निगम का क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन है। नगर निगम क्षेत्र में होने से का मतलब ये है, आज नहीं तो कल यहाँ नगर निगम के अंदर जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिलहाल सीवर, सड़क तो सब चीज़ें डेवलप करके STP के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सर यहाँ की रजिस्ट्री कहाँ पे होगी? सरोजिनी नगर तहसील में, जो CRPF कैंप के पास में है। ओके, और सबसे बड़ी चीज़ है, क्या यहाँ पे लोन हो जाएगा? बिल्कुल, लोन अवेलेबल है इसमें, बैंक लोन अवेलेबल है। लोन हो जाएगा सबसे बढ़िया चीज़ है। अब जो हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि तरुण जी आपने बहुत अच्छा अच्छा बता दिया, रेट क्या होने वाला है, तो प्लीज़ रेट 2000 का रेट है, 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट है आपको। और मिनिमम प्लॉट साइज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 800 स्क्वायर फीट मिनिमम मिल जाएगा, मैक्सिमम जितना भी लेना है आप ले सकते हैं। तो दोस्तों 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ रेट होने वाला है, और यदि हम मिनिमम प्लॉट साइज की बात करें तो आपको 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिलने वाला है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, आप जितना लेना चाहो ले सकते हैं। डेप्थ कितनी होगी आपके प्लॉट की? अगर हम 800 स्क्वायर फीट की बात करें तो 20x40 में मिल जाएगा, 20 का फ्रंट, डेप्थ 40 की है। बाकी अगर डेप्थ बढ़ाना होगा तो हमारे पास 60 की डेप्थ में भी आपको प्लॉट अवेलेबल है। इस एरिए में काफ़ी साइटें हैं इनकी, एक ये नया खोला है इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है। आप जब साइट पर आएंगे तो सर से मिलिएगा। इसी पूरे एरिए में बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बनाई गई हैं जो डिलीवर हो चुकी हैं, लोग रहते हैं। ये इसीलिए आप इस रेट से भी आइडिया लगा सकते हो, कोई यहाँ पे सेंटर के अंदर आपको 600 400 500 हज़ार में नहीं मिलने वाला है। ये है यहाँ के रेट का एप्रिसिएशन। यदि आज की डेट में भी आप इसको बुक कर ले होते हो तो आने वाले 3 से 4 साल में ये कहाँ जाएगा। मैं रेट का आपको नहीं कह सकता कि डबल हो जाएगा, लेकिन बहुत तेज़ी से जाएगा कंपेरिजन कहीं और आप यदि प्लॉट लेते हैं तो, क्योंकि ये अंदर है, सिटी के अंदर है, एयरपोर्ट के पास में है, और आस पास क्या दूर दूर तक जमीन बची नहीं है, फ्रेश जमीन नहीं है। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िएगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा तो साइट को समझने के लिए साइट पे आइएगा। साइट पे आने के लिए ये नंबर है, इस पे कॉल करिए, सर से मिलिए, साइट पे आइए सबसे पहले, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो। दोस्तों देखिए ये जैसे गेटेड है, एक बार प्लीज़ थोड़ा सा घूम के दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को आइडिया लग जाए। ये सामने से ही हम लोग आए हैं, गेट तक आने के लिए डामर रोड बनी हुई है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये साइट के अंदर ही हम लोग गेट से जो आए हैं, गेट के बाहर डामर रोड बनी हुई है, साइट के अंदर CC रोड मिलने वाली है। जिन लोगों ने यहाँ प्लॉट ले लिया है उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया। आप इस चीज़ को समझे ना, यदि ये बहुत दूर होता, यदि ये बहुत आउटर में होता, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो समझ नहीं पा रहे इस एरिए को, यदि आउटर में होता तो यहाँ कोई मकान नहीं बनाता, वो भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से छोटी सी एक बाउंड्री करके छोड़ देता। यहाँ मकान बन रहा है, एक नहीं बन रहा, एक ये है और एक आगे भी, देखिए आगे भी मकान बन रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सर ने जैसे बताया है कि यहाँ ये कर रहे हैं प्लॉटिंग गेट से अंदर आते ही साथ, और सबसे पीछे इनका प्लान है रॉ हाउसेस का। तो आप रहो या ना रहो ये तो एरिया बस जाएगा, मतलब रहने का मतलब ये है कि आप प्लॉट लेते हैं, आप बना के छोड़ भी देते हैं इस प्लॉट को कि हम समझेंगे 2-4 साल में, तब भी ठीक है क्योंकि यहाँ आबादी आ चुकी होगी। सर देख रहा हूँ चीज़ तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, आप थोड़ा सा मेरे को ये बता पाओगे फेसिंग क्या होगी यहाँ पे प्लॉट्स की? प्लॉट्स जितने भी अवेलेबल हैं अपने पास ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में है, रहने वाले प्लॉट अवेलेबल हैं, बाकी पार्क फेसिंग में भी आपको प्लॉट मिल जाएगा। पार्क का साइज क्या रहेगा? पार्क का साइज है 12000 स्क्वायर फीट में, हम 2 पार्क दे रहे हैं इसमें, मतलब 12000 स्क्वायर फीट का एक रहेगा और 12x12 के 2 है मतलब। तो दोस्तों 12000 स्क्वायर फीट के आपको इस गेटेड सोसाइटी के अंदर प्लॉट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी वीडियो में कोशिश की है बताने के लिए, यहाँ ओवरऑल सब कुछ होने वाला है। एज ए बायर यदि मैं भी खोजूंगा जो चीज़ें मुझे चाहिए वो यहाँ आपको मिल रही है।
सर आप हमारे थोड़ा कुछ व्यूअर्स को बता पाएंगे कि यहाँ पे बुकिंग प्रोसेस क्या है, यदि किसी को बुक करना है पसंद आ गया है तो कितना मिनिमम अमाउंट देना होगा? 10% बुकिंग अमाउंट होता है, बाकी लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है, अगर क्लाइंट लोन लेना चाहता है तो लोन भी ले सकता है अपना। और सबसे बड़ी चीज जो चाह रहे होंगे सुनना, क्या कुछ डिस्काउंट मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उसको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का दोस्तों फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन हमने प्रॉपर्टी विजिट्स चैनल से ली थी, तभी मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बताना जरूरी है ये बात। दोस्तों इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, शहीद पथ से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है, ओमेक्स सिटी आपके पास में होने वाली है, आप अमौसी एयरपोर्ट के जस्ट पीछे होने वाले हैं। गेटेड सोसाइटी है, बिजली के सप्लाई खंबे सीवर एसटीपी और सीसी रोड सब कुछ मिलने वाली है। रेट है 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट का, जिसपे आपको 50 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट और भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, चीज समझनी होगी, फाइनल मोड पे बैठेंगे, लेकिन ये समझिएगा कि निराश नहीं करेंगे। तो ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि आसपास ऐसी साइट नहीं है, जितनी भी साइट बिकती हैं दोस्तों लखनऊ से बाहर की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये लखनऊ के सेंटर में। तो इस ऑप्शन को मत छोड़िए, इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, तुरंत कॉल करिए और सर से मिलिए। दोस्तों आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।